नमस्कार आज के हिंदी पाठ में आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम आपको ले चलेंगे आपके मित्र के विद्यालय में जहाँ पर स्कूल क्लब के सभी सदस्यों ने मिलकर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया है तो आइए ध्यान से सुनते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है आज विद्यालय में स्कूल क्लब के छात्र अपनी अपनी गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपने अपने क्लब की प्रदर्शनी को लेकर वे बहुत उत्साहित हैं आज स्कूल में सभी बहुत व्यस्त हैं और उनके कार्य सराहनीय हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में ड्रामा क्लब के सदस्य केवल दो अंकों के अंतर के कारण प्रथम स्थान से चूक गए थे परोपकारी क्लब की प्रदर्शनी को देखकर सभी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं इस वर्ष परोपकारी क्लब के सदस्य छात्र फ्लग की प्राथमिक पाठशालाओं के अपाहिज बच्चों की मदद करने जा रहे हैं हाथ से बने सुंदर क्राफ्ट के सामान और चित्रों को बेचकर पैसा इकट्ठा किया गया है इस प्रदर्शनी में पर्यावरण क्लब के सदस्य अपनी उगाई साग सब्जियों को बेचकर अपने एंजेमिक बाग के लिए दुर्लभ पौधे खरीदेंगे बच्चों इन शब्दों के उच्चारण तथा उनके अर्थों को ध्यान से सुनिए प्रदर्शनी विशेष रूप से देखने योग्य आयोजन प्रबंध गतिविधियां कार्यक्रम उत्साहित जोशपूर्ण व्यस्त कार्य की अधिकता के होने का भाव सराहनीय प्रशंसा योग्य अपाहिज विकलांग दुर्लभ कठिनता से मिलने वाला मुहावरे चूक जाना लक्ष्य को प्राप्त न कर पाना दांतों तले उंगलियां दबाना आश्चर्यचकित होना बच्चों आज हम एक वचन से बहुवचन शब्द भी बनाएंगे पुलिंग एक वचन घोड़ा लिंग बहुवचन में घोड़े बनता है उसी प्रकार से पैसा पैसे पौधा पौधे स्ट्रुलिंग एक वचन में चर्चा शब्द स्ट्रुलिंग बहुवचन में चर्चाएं होता है उसी तरह प्रतियोगिता प्रतियोगिताएं और पाठशाला पाठशालाएं तो बच्चों आपने देखा कि बहुवचन में पुलिंग शब्दों का आ स्वर ए में बदल जाता है जबकि स्टेरिंग शब्द में आ स्वर के बाद ए जोड़ते हैं यह पाठ आपने ध्यान से देखा और सुना आशा है कि कक्षा में कार्य करते समय आप एक बचन और बहुवचन पर ध्यान देंगे धन्यवाद नमस्कार